है, तो हम लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आती है, जब एक बॉय सेक्सुअली फिजिकली मैच्योर हो जाता है टू बिकम अ फादर, मेंटली भी, और वैसे ही एक गर्ल फिजिकली मैच्योर हो जाती है टू बिकम अ मदर, अगेन मेंटली नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग प्यूबर्टी उस एज को डिफाइन करते हैं जब आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना स्टार्ट कर देते हैं। आई बात समझ में? उस स्टेज को जब ये स्टार्ट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। तो फिर एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस जब ये सारे चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं, अब इसके बाद फर्दर चेंजेस नहीं आ सकते, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि एडोलेसेंस आ गई है। ये फर्क होता है किसमें, प्यूबर्टी में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, एडोलेसेंस में ये सारे चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी शक्ल नहीं बदलती, उसके बाद आपका हाइट नहीं बढ़ता, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जब प्यूबर्टी चलती है तो आपकी बॉडी में पिंपल्स और एक्ने के प्रॉब्लम आते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो वो प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाते हैं या परमानेंट हो जाते हैं, या उनकी साइकिल परमानेंट हो जाती है। आगे बात समझने की, ये सीजन में आएंगे, ये सीजन में नहीं आएंगे। सो व्हेन ऑल दीज चेंजेस बिकम परमानेंट, दे नो लॉन्गर रिमेन चेंजेस, उस एज को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस, ठीक है ना। अब जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, वो हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन, दोस चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, जैसे कि सॉफ्ट फेशियल हेयर आना, वॉइस चेंज होना, प्यूबिक हेयर आना, हेयर अंडर आर्मपिट, ये मेल्स में भी होते हैं चेंजेस और फीमेल्स में भी होते हैं। मेल्स में इफेक्टिवली कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे मेल्स के शोल्डर मसल्स ब्रॉड हो जाते हैं, अब वो लड़के लड़के टाइप के दिखने लगते हैं। आ रही बात समझ में? वॉइस जो रहती है वो होर्स हो जाती है, मसल्स डेवलप होने लगती है, पेनिस का इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सारे चेंजेस है इसमें से कुछ दोनों मेल और फीमेल के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, कुछ सिर्फ मेल्स में होते हैं और कुछ सिर्फ, इज दैट क्लियर? चलो तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन होता है, टेस्टीज। वो कौन होता है, टेस्टीज। टेस्टीज दो होते हैं, टेस्टीज दो होते हैं, ठीक है ना, मतलब दे आर टू इन नंबर। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, पहला प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। आई बात समझ में? टेस्टीज एक हार्मोन सीक्रीट करती है जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है ना। ये एक हार्मोन सीक्रीट करती है टेस्टोस्टेरॉन, और अगेन टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स को रेगुलेट करना और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब क्या होता है, फेशियल हेयर आना, वॉइस होर्स हो जाना, जो भी हम लोग प्यूबर्टी में चेंजेस करते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अब जो टेस्टीज रहती है वो स्क्रूटम में लाया करती है, वो कहाँ लाया करती है, स्क्रूटम। स्क्रूटम मतलब होता है हमारी अब्डोमिनल कैविटी के नीचे, यानी कि पेट वाली जो कैविटी रहती है उसके नीचे लाया करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेल्स में जो टेस्टीज रहती है, मेल्स में जो टेस्टीज रहती है वो अब्डोमिनल कैविटी के नीचे स्क्रूटम या फिर स्क्रूटल सैक में क्यों लाया करती है, ये दिख रहा है स्क्रूटम, ठीक है ना। मेल्स की अब्डोमिनल कैविटी यहां तक होती है, मेल्स की अब्डोमिनल कैविटी कहां तक होती है, यहां तक, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं जो स्पर्म्स होते हैं उनको थोड़ा सा टेम्परेचर कम लगता है, जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर कम लगता है। कितना कम, 1 to 2 degree, कितना कम, 1 to 2 degree। सो द टेस्टीज रिक्वायर अ टेम्परेचर
एटलीस्ट 1 डिग्री टू 2 डिग्री सेल्सियस लोअर, 1 डिग्री टू 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर टू डेवलप. तो अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37, ठीक है, तो इससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, कम चाहिए. इससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, कम चाहिए, वरना स्पर्म्स डेवलप नहीं हो पाएंगे. इज दैट क्लियर? क्या सभी को यहाँ टेस्टीज दिख रही है? आगे जाए, बोलो कोई परेशानी. टेस्टीज के आगे ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एब्डिडाइमिस, और एब्डिडाइमिस के बाद एक लंबा सा ट्यूब निकलता है. इस लंबे से ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, वास डिफरेंस. क्या कहते हैं? ये दिख रहा है पर्पल कलर का लंबा सा ट्यूब जो यहाँ पर स्पर्म डक के नाम पर लेबल हुआ है, जो यहाँ पर स्पर्म डक के नाम पे क्या हुआ है, लेबल हुआ है. इसे हम लोग क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो स्पर्म डक्ट होता है यहाँ पर, जो ये वास डिफरेंस होता है, इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म्स कलेक्ट करता है. इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म्स कलेक्ट करता है. कहाँ से कलेक्ट करेगा? टेस्टिस से. कहाँ से कलेक्ट करेगा? आई क्या बात समझ में? ठीक है, इसके बाद हमें दो ग्लैंड पढ़ने हैं. एक कौन सा? सेमाइनल वेसाइकल. दूसरा कौन सा? प्रोस्टैट. एक कौन सा? सेमाइनल वेसाइकल. दूसरा कौन सा? प्रोस्टैट. तुमको दिख रहा है सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टैट ग्लैंड? ये रहा प्रोस्टैट ग्लैंड, और यहाँ पर है तुम्हारे सेमाइनल वेसाइकल्स. सेमाइनल वेसाइकल्स जो हार्मोन सीक्रीट करते हैं, जो सीक्रीशंस होते हैं किसके, सेमाइनल वेसाइकल के. जो सीक्रीशंस होते हैं किसके, सेमाइनल वेसाइकल्स के, वो किस चीज में काम आते हैं, वो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. वो क्या करते हैं, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. इज दैट क्लियर? सुनो ध्यान से सुनो. सेमाइनल वेसाइकल्स के जो सीक्रीशंस रहते हैं, सेमाइनल वेसाइकल्स के जो सीक्रीशंस होते हैं, वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. और इसके साथ में देखो एक और ग्लैंड दिखेगा तुमको, छोटा सा प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहेगा. ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है, ये स्पर्म्स को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब उनको चलने में हेल्प करता है. जब स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं तो उन्हें स्विम करके ऊपर जाना होता है, तो उसके लिए इन्हें मूवमेंट की जरूरत होती है. जो मूवमेंट कौन प्रोवाइड करते हैं, सीक्रीशंस ऑफ प्रोस्टैट ग्लैंड. सीक्रीशंस ऑफ प्रोस्टैट ग्लैंड अगर देखना है, ये रहा बेटा प्रोस्टैट ग्लैंड, येलो वाला, ठीक है ना. अब बहुत ध्यान से सुनना. सीमेन इज द फ्लूइड जो किसको बोलते हैं, टेस्टिस में से जो स्पर्म्स निकले, प्लस सीक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्लस सीक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसाइकल. इन तीनों के जो सीक्रीशन से मिलकर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमन. क्या कहते हैं? सीमन, ठीक है ना. अब देखो ध्यान से, ये टेस्टीज है, यहाँ से एपिडीडाइमिस के थ्रू स्पर्म्स रिलीज हुए वास डिफरेंस में. वास डिफरेंस में एक डक्ट आया सेमाइनल वेसाइकल से, सेमाइनल वेसाइकल के सीक्रीशन लिए इसने. प्रोस्टेट ग्लैंड से भी देखो एक डक्ट आ रहा है, इसके भी सीक्रीशंस लिए, और ये मिल जाता है आपके यूरेथ्रा से. किससे मिल जाता है? आपके यूरेथ्रा से. तो मेल्स में यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग सेम होती है, दैट इज यूरेथ्रा. मतलब जहां से यूरिन पास होता है वहीं से सीमेन भी पास होता है विद स्पर्म्स. आ रही है बात समझ में? बोलो कोई परेशानी. ये होता है पीनिस. पीनिस मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है. कहना ऐसे कि वो मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, इस बात का मतलब वो फीमेल बॉडी में स्पर्म्स इंजेक्ट करने के काम आता है. वो फीमेल बॉडी में स्पर्म्स इंजेक्ट करने के काम आता है. इज दैट क्लियर? ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जब ध्यान से देखोगे तुम लोग को दो ओवरीज दिख रही होगी ऐसी. ये जो दो ओवरीज है इनके दो काम है. एक डेवलपमेंट ऑफ एग्स, पहला क्या, डेवलपमेंट ऑफ एग्स, और दूसरा ये हार्मोन सीक्रीट करती है. कौन से दो? एक कौन सा, ईस्ट्रोजन, और दूसरा कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन. पहला कौन सा, ईस्ट्रोजन, दूसरा क्या, प्रोजेस्टेरॉन.
ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। आई बात समझ में? प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है? मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ताकि जो तुम लोगों ने सुना होगा कि मिसकैरेज हो जाता है वो ना हो, इस बात का ध्यान कौन रखता है? प्रोजेस्टेरॉन रखता है। इज दैट क्लियर? अब सुनो, ओवरी में एग्स डेवलप होंगे और इन ओवरीज में से एग कौन कलेक्ट करेगा? फेलोपियन ट्यूब। ओवरीज में से एग कौन कलेक्ट करेगा? फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है? इट कलेक्ट्स एग्स फ्रॉम द ओवरी। इट कलेक्ट्स एग्स फ्रॉम द ओवरी। अब ये जब ओवरी से एग कलेक्ट करता है तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, ये कहाँ होगा? ये भी फेलोपियन ट्यूब में ही होगा। ये कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में ही होगा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है या क्या है, तो हमने बोलना है कि फेलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो हो जाएगा। एक बार एग ने फेलोपियन ट्यूब क्रॉस कर लिया, अब अगर स्पर्म होगा भी तो भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत 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 मिनिमम होंगे। इज दैट क्लियर? आगे अब सुनो, ये फेलोपियन ट्यूब जो है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, यहां से जो हमारी कहानी है वो कहां जाती है? यहां। इसको हम लोगों ने क्या लिख के रखा है? यूट्रस। क्या लिख के रखा हुआ है? ठीक है ना? तो जो यूट्रस होता है वहां पर कौन आता है? एक फर्टिलाइज्ड एग आता है। कौन आता है? एक फर्टिलाइज्ड एग आता है। यूट्रस बेसिकली वूम्ब होता है। क्या होता है? वूम्ब, जिसको तुम लोग बचपन में मूवीज में सुनते होगे, माँ की कोख। मम्मी डायलॉग मारती है ना, नो मैंने कोख में रख के पाला तुझे, कोई माँ की कोख से कुछ सीख के नहीं आता। तो वो जो वूम्ब होता है ना, वहां पे सच में कोई कुछ नहीं सीखता, वहां पे तो सिर्फ ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और ये तो वो वूम्ब की या यूट्रस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू अ फीटस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू अ फीटस। आ रही बात समझ में? जब पूरा बच्चा बन के रेडी हो जाता है कि हाँ अब तैयार है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को एक ऑर्गन दिखेगा, सर्विक्स। यहाँ पे तुम्हें एक ऑर्गन दिखेगा, सर्विक्स। दिख रहा है क्या? इस सर्विक्स को हम लोग कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं बेटा? बर्थ कैनाल। इस बर्थ कैनाल से बच्चे की डिलीवरी होती है। सुना मैंने, उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा बाहर आ गया, तो वो जो बच्चा है वो मदर की बॉडी से कैसे बाहर आता है? विद द हेल्प ऑफ बर्थ कैनाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्विक्स। आई बात समझ में? और उसके बाद जो लास्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है वेजाइना। वेजाइना फीमेल पॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। फीमेल पॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब मेल का जो स्पर्म इंजेक्ट होगा वो फीमेल में किसके थ्रू होगा? विद द हेल्प ऑफ वेजाइना। किसके थ्रू होगा? विद द हेल्प ऑफ वेजाइना। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है? बेसिक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हम लोग समझते हैं बच्चा कैसे पैदा होता है। तो सबने थ्री इडियट्स देखी है? नहीं देखिए तो जाकर देखना, ठीक है ना? जब तुम लोग थ्री इडियट्स देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मेल के पीनिस से जब फीमेल में सीमेन इंजेक्ट होता है तो एक स्पर्म नहीं आते, बहुत सारे स्पर्म आते हैं। क्या होता है? बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं। और उन स्पर्म में रेस लगती है, फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट कौन आएगा। जो भी फर्स्ट आता है, जो स्पर्म का हेड होता है, वैसे ट्रायंगुलर शेप का होता है, पॉइंटेड रहता है, तो स्पर्म का जो हेड रहता है, अच्छा ये स्पर्म होता है इतना सा और ये एग होता है इतना बड़ा, और ये स्पर्म जैसे ही अपना हेड एग के अंदर क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, वैसे ही एग के बाहर एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से अब कोई दूसरा स्पर्म उसी एग को फर्टिलाइज न कर पाए। कोई दूसरा स्पर्म किसी एग को फर्टिलाइज ना कर पाए। मानो गलती हो गई, इतना एक्यूरेसी, इतना प्रेसिशन कि इधर से ये स्पर्म आया और इधर से ये स्पर्म आया और दोनों का हेड एकदम साथ में इंजेक्ट हुआ, तब दो कहानी होगी।
या तो नॉर्मल ट्विंस होते हैं या फिर कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं, ठीक है ना? आई बात समझ में? कॉन्जॉइंट ट्विंस का मतलब होता है जिनके शरीर जुड़े हुए रहते हैं। आ रही बात समझ में? इसकी हम आखिरी में बात करेंगे ट्विंस वाली कहानी में, वैसे वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। एनीवे, ठीक है ना? बात, ठीक है ना? अभी जैसे ही एक स्पर्म ने अपना हेड एक एग के अंदर क्या करा, इंजेक्ट किया, तो एग के बाहर एक लेयर बन जाएगी दैट कुड प्रिवेंट अदर स्पर्म्स टू फर्टिलाइज द एग, यानी कि रेस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर शट ऑफ। शट ऑफ मतलब गिर जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। अब जैसे ही ये एग फर्टिलाइज हुआ, इस एग में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। इस एग में क्या स्टार्ट हो जाएगा? डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक के दो, दो के तीन, तीन के चार, चार के पांच, पांच के छह। आ रही बात समझ में? ये डिवाइड होते जाएंगे, जो 16 to 32 वाला स्टेज होता है, जो 16 to 32 वाला स्टेज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? तो स्पर्म का एग के साथ फ्यूज करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? जायगोट। उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? अब जायगोट के सेल्स डिवीजन अंडरगो करेंगे, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह से जो 32 वाला स्टेज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। होता क्या है बेटा, जैसे सेल जब डिवाइड होता है, जब ध्यान से देखो, ये जब एम्ब्रियो बनता है, तो मैं दिख रहा है पहले एक एग आया, एग दिख रहा है क्या? उसमें एक येलो कलर का स्पर्म दिख रहा है तुमको, इंजेक्ट हुआ, उसके बाहर एक पर्पल कलर की लेयर बन गई, ठीक है? फिर देखो ये यहाँ तक डिवाइड होगा, ये मतलब हुआ एक सेल के कितने सेल हो गए? दो। फिर ये यहाँ से डिवाइड हुआ तो दो के कितने हो गए? चार। और फिर चार के कितने हो गए? आठ। ऐसे डिवाइड होते होते ये क्या करता है? फिलोपियन से रोल डाउन होकर डिवाइड भी होता जाता है और रोल भी होता जाता है, और रोल होते होते कहाँ पहुंच जाता है? यूट्रस में, यानी कि माँ की कोख में, वूम्ब में। आ रही बात समझ में? अब सुनो,